हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वेट कर रहा था, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट अनबॉक्स करने के लिए आपके लिए वो सच में कमाल का फ्लैगशिप लेवल का फोन है, जो कि आ जाता है सैमसंग की तरफ से, सबसे लेटेस्ट सैमसंग का नोट 20। और मैं सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने इसका सील ऑलरेडी पहले से ब्रेक कर लिया, क्योंकि ये जो कलर है सच में मतलब एक नेक्स्ट लेवल का कलर है, मजेदार है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या हमें बॉक्स में कंटेंट दिया गया, और सबसे खास बात तो भाई फोन के अंदर देखा जाएगा क्या चीज हमें देखने को मिल जाती है, कलर कैसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट कर दीजिए चौखानी टेक्नीशियन के लाल करके बटन को, और ग्रे कर दीजिए साथ ही बेल आइकन जैसे प्रेस करिएगा, क्योंकि इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो मतलब प्रीमियम क्लास की वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पे देखने को मिल जाती है। और साथ ही वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर ही दीजिएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं नोट 20 का एक रिटेल पैकेजिंग, जहां पे हमें जो है एस पेन का लुक देखने को मिल जाता है और लिखा हुआ N20 मतलब नोट 20। पीछे की तरफ हमें कोई हाईलाइट देखने को नहीं मिलता, इधर कुछ बारकोड्स वगैरह है, और साथ में इधर कुछ कंटेंट्स वगैरह देखने को मिल जाता है कि क्या कंटेंट्स वगैरह दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2020 की है, मतलब फोन बहुत ही लेटेस्ट है। और साथ ही जो है करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमें कंटेंट क्या क्या अंदर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने लिड को ओपन किया और यहां आप देख सकते हैं राइट साइड में हमें ये जो है पैम्फलेट देखने को मिल जाता है, कंपार्टमेंट दिया गया है, जहां पे हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल्स देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और साथ ही बॉक्स के अंदर देखा जाए तो बॉक्स के अंदर हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये कुछ ज्ञान व्यान की बातें हैं, रीडिंग मैनुअल्स वगैरह हैं, जो कि कोई काम की नहीं है, पीएचडी करना नहीं है अपने को, तो ये हमें कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं, ये आपकी नज़र इस पर पड़ गई होगी, तो सबसे पहले तो मैं इसका फर्स्ट लुक आपको बैक का नहीं दिखाने वाला हूँ, वो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स के कंटेंट को। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, ठीक उसी तरह मैं भी एक्साइटेड था। लेकिन जब बॉक्स में कंटेंट वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिल जाता है, अडेप्टर देख लेते हैं क्या हमें रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर जो कि टिपिकल देखने को मिल जाता है, जो कि टाइप सी टू टाइप सी अडेप्टर केबल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है। और इसकी रेटिंग की मैं बात करूँ तो रेटिंग आप देख सकते हैं 25 वॉट का हमें फास्ट चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का है, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमें ये कुछ केबल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि है कि ये टाइप सी चार्जिंग केबल हमें देखने को मिल जाता है, साथ में हमें देखने को मिल जाएंगे aaegi के ईयरफोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक टाइप सी कनेक्टर के साथ में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं टाइप सी कनेक्टर के साथ में आ जाएगा ये aaegi ईयरफोन्स वगैरह। तो ये हमें बॉक्स में कुछ कंटेंट वगैरह दिया गया, बाकी बॉक्स में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो सब कुछ हम करते हैं साइड में, और अब आप लोग एक्साइटेड होंगे फोन के लिए, जहां पे मैं फोन का फर्स्ट लुक तो रिवील करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं रिवील करता हूं इसके फर्स्ट लुक को, जहां पे ये आप देख सकते हैं कंप्लीटली मजेदार सा लुक है। और ये आप देख सकते हैं, मैं रिमूव कर देता हूं इसके रैपर को, और साथ ही रिमूव कर देते हैं इसके ये स्टिकर को, जो कि साइड में रिमूव कर देता हूं। तो ये जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं कंप्लीट फर्स्ट लुक। और ये जो ग्रीन कलर है ये कोई देहाती टाइप का ग्रीन कलर नहीं है, मतलब ये कि ये प्रीमियम क्लास वाला ग्रीन कलर है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जो है ब्रॉन्ज के लिए नहीं जाना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा इसी के लिए, ग्रीन कलर के लिए बहुत ही कमाल का मिस्टिक ग्रीन कलर है, मज़ेदार लग रहा है, फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, मतलब नेक्स्ट क्लास का फील है। और ग्रीन कलर आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है, मतलब जो आपको पिक में दिखता है वैसे उससे कहीं ज्यादा अच्छा है रियलिटी में, जब आप उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, तो वो फील जो आएगा वो बहुत ही कमाल का नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो कमाल का इसके लिए थम्स अप है सैमसंग को, इस कलर के लिए मजेदार कलर देखने को मिल जाता है। तो फोन के फटाफट से हम स्पेक्स की बात करते हैं, तो करते हैं इसको फर्स्ट बूट और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्पेक्स आउटर क्या देखने को मिल जाते हैं, तो इधर हमें ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा, साथ ही वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया गया, सेकेंडली माइक्रोफोन वगैरह है, सिम कार्ड स्लॉट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। साथ ही बात करते हैं लेफ्ट साइड की, जो कि हमें पूरा ही क्लीन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ में हमें जो है एस पेन देखने को मिल जाएगा, साथ में स्पीकर के ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और साथ में हमें जो है माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मतलब फोन बहुत ही मजेदार सा स्पेक्स के साथ में आ जाता है। जैक हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब कंपनी ने फोन में से जैक हटा दिया है, सब चीज टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से ही होने वाला है, ईयरफोन भी आपका और चार्जिंग भी आपका दोनों ही सब कुछ चार्जिंग पोर्ट से होने वाला है। तो फोन बहुत ही मजेदार स्पेक्स के साथ में आ जाता है, और कैमरे का जो कटआउट आपको देखने को मिल रहा है वो सच में बहुत ही कमाल का क्लासी फील दे रहा है, प्रीमियम फील दे रहा है। तो फोन हो चुका है फटाफट से बूट, और ये आप देख सकते हैं मैंने स्वाइप कर लिया, और कमाल का जो एक्सपीरियंस है, मतलब एकदम बेजललेस टाइप का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मतलब एकदम मिनिमम चिन्स देखने को मिलता है, जो कि इग्नोर्ड है, मतलब ना बराबर चिन्स देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ में हल्का सा बेसी है, मतलब ऊपर के कंपेयर में नीचे हमें हल्का सा
बेसी देखने मिल जाता है जो कि 2 point something mm का हमें जो है नीचे की तरफ चिन्ह देखने को मिलता है, बाकी मतलब समझ लीजिए आपको चिन्ह देखने को मिलता ही नहीं है। और ये जो स्मॉल कटआउट दिया गया है वो बहुत ही एकदम छोटा कटआउट दिया गया, स्मॉल कटआउट है तो मतलब मज़ेदार सा लुक है, फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और वही अगर नोट 20 अल्ट्रा की बात किया जाए तो उसमें हमें कर्व डिस्प्ले दिया गया है, तो ये हमें डिफरेंस है कि जो है एक इसमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली जो है फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आता है और कमाल का फील भी देता है। और ये तो आप देख ही सकते हैं क्या स्मूथनेस इस फोन की, मतलब कमाल का फील आ रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी सच में बहुत ही कमाल की, जहां पे मैं स्पेक्स की बात करूं तो 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 1080p वाला डिस्प्ले है, बहुत ही कमाल का एकदम स्मूथ देखने को मिल जाता है डिस्प्ले। और मजेदार सा है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के ऊपर में, तो मतलब प्रोटेक्शन बहुत ही कमाल का। और जो बैक पैनल दिया गया है वो जो सैमसंग कहता है ग्लास्टिक बॉडी है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है बैक पैनल की, जो ग्लास्टिक बॉडी है मैट फिनिश टाइप से है, मतलब ग्लॉसी फिनिश में नहीं है, मैट फिनिश टाइप में, कमाल का लगता है, फील बहुत ही प्रीमियम आता है। और साथ ही जो इसके HDR 10 प्लस सपोर्ट दिया गया और साथ में 90% अबव स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाता है, तो ये मतलब डिस्प्ले के कुछ स्पेक्स हैं, बहुत ही कमाल का प्रीमियम फील देता है। साथ ही बात करते हैं इसके अंदर जो पावर किया गया, जो प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है वो कौन सा दिया गया, तो फटाफट से हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं अबाउट फोन वाले सेक्शन में क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन वगैरह चेक करें तो यहां देख सकते हैं एंड्रॉइड लेटेस्ट 10 देखने को मिल जाता है जो कि 1 UI 2.5 के साथ में आता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है। और साथ ही प्रोसेसर की मैं बात करूं तो प्रोसेसर दिया गया है एक्सिनोस का 990, मतलब 990 प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक 7 नैनोमीटर प्लस मतलब 7 nm प्लस बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और सच में डिस्प्ले मेरे को बहुत ही कमाल की लग रही, मतलब मजेदार डिस्प्ले लग रही, जो कि माली G77 के साथ में प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो मतलब जो GPU दिया गया है वो माली G77 देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और ये जो फोन है ये 5G रेडी नहीं है। साथ ही बात करते हैं अब इसके कैमरे वगैरह की, तो मतलब शॉक्ड हो गया था मैं इसके कैमरे को लेकर, जहां पे कैमरे की मैं बात करूं तो कैमरा जो दिया गया है इसके अंदर जो ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, एक तो हमें मेन सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि है 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में हमें देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, मतलब 64 मेगापिक्सल का टेली फोटो कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि सच में बहुत ही कमाल का फील दे रहा है। और साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, तो मतलब जो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है वो बहुत ही कमाल का है। आप शॉट्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, तो मतलब जो टेलीफोटो जो लेंस वर्क करेगा ना वो सच में आपका मल्टीपर्पज वर्क होता है, मतलब टेलीफोटो लेंस जो होता है वो एक तरीके से आपका मल्टीपर्पज वर्क करता है, आपकी इमेज जो क्वालिटी होती है उसको बहुत ही अच्छा इनहेंस कर देता है। साथ में जो है ब्लर लाने में जो बैकग्राउंड में ब्लर आता उसमें भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, तो मतलब मल्टीपर्पज वर्क होता है 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में जो टेलीफोटो कैमरा होता है, मजेदार का आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, इमेज क्वालिटी बहुत ही मजेदार देखने को मिलेगी। साथ ही बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की, जहां पे मैं सेल्फी कैमरा इसको ओपन करके देखूं तो सेल्फी कैमरे की भी क्वालिटी हमें बहुत ही मजेदार देखने को मिल जाती है, जहां पे सेल्फी कैमरा दिया गया है 10 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि मज़ेदार है, मतलब मैं देख सकता हूँ कमाल की क्वालिटी देखने को मिल रही है, मज़ेदार क्वालिटी है, इफेक्ट वगैरह बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं इसके एस पेन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ये आप देख सकते हैं पहले से और भी बेटर और इन्हेंस कर दिया गया है एस पेन को, जहाँ पे फीचर्स और भी बहुत सारे ऐड किए गए, मतलब एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी इसके एस पेन के फीचर को लेकर, जो कि मैं आगे बनाऊंगा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, मतलब भर भर के स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं एस पेन के साथ में, क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, मतलब फोन आप अगर रख दिए ना तो बहुत कुछ आप जो है फोन को बिना छुए कर सकते हैं, एक एस पेन की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ में प्रोवाइड करूंगा। बाकी जो एस पेन है वो सच में बहुत ही कमाल की लग रही, मतलब मजेदार लग रही है एस पेन देखने को मिल रही है, तो ये सब हमें स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को लेकर, जहां पे मैं फटाफट से सेव कर लेता हूं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सिक्योरिटी को लेकर, जहां पे चेक करते हैं इसका क्या फास्ट वर्क करता है ये, तो चलते हैं इसके बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी के अंदर, जहां पे मैं फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूं फटाफट से, तो फिंगरप्रिंट मैंने ऐड कर लिया, कंटिन्यू कर देता हूं और साथ ही देखते हैं पिन मैं एंटर कर देता हूं, पिन डाल देता हूं 1 2 3 4 एंटर कर देते हैं और टर्न कर दिया मैंने 1 2 3 4 एंड टर्न कर दिया, तो फिंगरप्रिंट मैंने सेट कर लिया। और इसमें कुछ भी नहीं करना, ना तो आपको कोई भी बटन प्रेस करना है, बस आपको सिंपली यहां पे टच करना है और ये आप देख सकते हैं इमीडिएटली अनलॉक हो चुका है फोन, मतलब बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट लग रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर फास्ट वर्क कर रहा है, आपको यहां पे कहीं पे टच करना रहेगा और
कमाल का अनलॉक हो जाएगा फोन, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथली अनलॉक होगा। बात करते हैं इसके बैटरी की, जहां पे हमें इंपैक्ट बैटरी देखने मिल जाती है, 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही जो है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 25W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलेगा, और जो फोन से वायरलेस चार्जिंग होगी वो आपकी 15W की सपोर्टिंग देखने को मिल जाती है। तो मतलब ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार सा फीचर्स है, कॉम्पैक्ट करके बहुत ही कंबाइन करके एक कमाल का फोन देखने को मिल जाता है, जहां पे एक फ्लैगशिप स्पेक्स है, फ्लैगशिप फीचर्स है, फ्लैगशिप डिवाइस है, प्रीमियम फील है, और पेन भी बहुत ही मजेदार सा है जो एस पेन देखने को मिल जाता है। इसके साथ में हमें फेस अनलॉक की भी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो मतलब फीचर्स बहुत ही कमाल के, मेटेलिक टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा ही एकदम मेटल टाइप का देखने को मिलता है। फिनिश बहुत ही कमाल का है, डिजाइन बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं इसकी जो डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए ट्यून रहेगा, मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करने वाला उसके अंदर, तो वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बाकी यही था इस वीडियो में। पर्सनली जो है मेरे को इस फोन की दो चीज बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहला तो इसका जो कलर है वो सच में एक अलग क्लास का कलर है, मतलब डिफरेंट कलर है, मतलब नॉर्मल किसी कलर से मैच ही नहीं करता है, ये अलग ही प्रीमियम क्लास का कलर देखने मिल जाता है। ग्रीन सोच के आप लोग ये मत सोचना कि बहुत ही डल टाइप का है, ये जो कलर है वो प्रीमियम क्लास का कलर देखने को मिल जाता है, तो सच में बहुत ही मजेदार कलर लगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये, जो कि इसका एस पेन है, इसके एस पेन में मतलब इतने सारे फीचर्स भरे हुए हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे, उसमें आप कंप्लीट चेकआउट कर लीजिएगा। इतने सारे फीचर्स भरे हुए हैं कि आप जो फोन को आप सामने रख के जो है कंप्लीटली एस पेन से ऑलमोस्ट वर्क कर सकते हो, बहुत सारे वर्क कर सकते हो। ये नहीं कि टाइपिंग आप कर पाओगे, बट बहुत सारे वर्क आप कर सकते हो सिर्फ एक एस पेन और इसके बटन से। तो मतलब ये एक बहुत ही कमाल का डिवाइस है, मतलब मज़ेदार सा, जहाँ पे आप मल्टीपर्पज की वजह से मल्टीटास्किंग कर सकते हो, सैमसंग डेक्स वगैरह देखने को मिल जाता है, विंडो शेयरिंग वगैरह, मतलब बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग पे वगैरह दिया हुआ है, तो कंप्लीटली सारे स्पेक्स भरे हुए इस फोन के अंदर। तो यही थी एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की थी, और ये जो कलर है वो है मिस्टिक ग्रीन कलर, मजेदार सा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे अपना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हिट कर दीजिए लाल कलर के बटन को और ग्रे कर दीजिए बेल आइकन जो से प्रेस करिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यही था इस वीडियो में, मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।